व्हाट्सअप गाइस, कैसे आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल TFI टॉप 5 इंफॉर्मेशन 2.0। तो गाइस, आज मैं आपको कुछ तो अलग बताने वाला हूँ। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो मैं आपने देखा होगा 21st को, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट डे था। उस दिन जुपिटर और सैटर्न करीब आए थे, मतलब सन, अर्थ और जुपिटर और सैटर्न। वो जुपिटर क्रॉस हुआ था सैटर्न के पास जब वो ऑर्बिट ले रहे थे सन के तरफ। तो जुपिटर लेता है 12 साल, मीन्स जुपिटर टेक्स 12 ईयर्स टू कंप्लीट इट्स वन राउंड ऑफ सन्स ऑर्बिट एंड सैटर्न टेक्स वंस 20 ईयर्स टू कंप्लीट इट अराउंड द सन। मतलब सैटर्न भी 20 साल लेता है पूरा घूमने के लिए। मैंने देखा था कंजक्शन ऑफ सैटर्न एंड जुपिटर, ये ऐसा हुआ था। तो वो कैसे हुआ अब मैंने बताया था आपको, मतलब जुपिटर ने क्रॉस किया था सैटर्न का पाथ जिससे उसकी ऑर्बिट एक बार 20 साल में आई और जुपिटर की 12 साल में। ओके, जब वो पास कर रहा था सैटर्न को, तब जुपिटर ने क्या किया था मालूम है? जुपिटर ने उसके एंगुलर डिस्टेंस से अबाउट 1 degree मेक इन वन देम लुक लाइक अ पेयर। मतलब वो एक ऐसे जूते के पैर रहते हैं ना, वैसे बना दिया था उन, वो दोनों बन गए थे। तो फिर अब ये क्या है, कैसे हुआ, क्या है पर ये आपको समझेगा पर 2 मिनट। पर ये गाइस बहुत ही मुश्किल है, मतलब द कंजक्शन ऑफ जुपिटर एंड सैटर्न, जुपिटर एंड सैटर्न कंजक्शन। ओके, मतलब ये कंजक्शन, मतलब वो क्रॉस हुआ था जुपिटर सैटर्न के पाथ में से, मतलब जहाँ से सैटर्न घूमता है उस जुपिटर ने उसका रास्ता मतलब ये कर दिया था ब्लॉक। इसलिए वो दोनों कल रात 7:30 to 8:30 या फिर कितने भी बजे वो आपको दिख रहे थे। आई थिंक सो आपने देखा हो गया या फिर नहीं, मैंने न्यूज़ में देखा था इसलिए मुझे पता चल गया। तो अब मुझे न्यूज़ में नहीं, मुझे मेरे भाई ने बताया इसलिए। ओके, तो फिर एंगुलर, ओके, मतलब वो कंजक्शन, उसे कंजक्शन कहते हैं। तो वो बार बार होता जाते रहता है या फिर एक साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद या 4 साल बाद, वैसा कुछ नहीं, वो पूरा 400 साल बाद होता है। मतलब समझो 20th century है ये, मतलब इसमें 100 years रहते हैं। तो फिर ये 400 साल, मतलब 4th century में होता है। अब 19th, 18th, 17th, मतलब ये 17th century में हुआ था, और अब 20th century में हुआ, फिर 24th century में होगा फिर से। यस, ओके। तो फिर ये मैंने तो बता दिया, मतलब वो एंगुलर, मतलब जुपिटर उस सैटर्न के एंगुलर वन ऑफ टेंथ डिस्टेंस से हुआ था। इट्स द मोस्टली रीअसेंबलिंग अ सिंगल प्लैनेट, मतलब वो पूरा एक ऐसा एक प्लैनेट ही है वो, ऐसा दिखा रहे थे। ओके, ये बहुत ही रेयर इवेंट था, मैं आपको दिखा सकता हूँ। चलो सोलर सिस्टम स्कोप में चलते हैं। याहू, सो गाइस आप देख पा रहे हो, ये है हमारा सोलर सिस्टम पूरा, और ये 22 दिसंबर का है। मैं आवाज़ कम कर देता हूँ क्योंकि आपको सुनाई नहीं देगा इसलिए। तो अब हम अर्थ के पास जाते हैं और उसका नाइट स्काई देखते हैं 21st का। तो चलो देखते हैं हम उसका 21st का। तो हमें जाना है 21st में, 21st। ओके, अभी हमें
जाना है 17। नो गाइस, इससे नहीं होगा, मुझे कुछ अलग करना होगा। जैसे कि देखो, एक्चुअल टाइम में जाता हूँ मैं, इधर से लोकेशन सिलेक्ट करता हूँ। ओके, मैंने मुंबई इंडिया, ओके मुंबई इंडिया तो मेरा सिलेक्टेड ही है। रुको दो मिनट, बेस्ट कर देता हूँ, नहीं मुझे नहीं करना, गुड कर देता हूँ बस इतना। अरे ये फिर से लोड आ रहा है, छोड़ो, आपको अच्छी क्वालिटी में दिखा है बस। ओके ऑडियो, ओके जियो, बस मुझे, ओ व्हाट हैपेंड, प्रॉब्लम हो गई थी इसलिए कुछ नहीं। अब आपको सैटर्न और जुपिटर नाम का एक दिख रहा होगा, यहाँ पर एक सैटर्न के, ये सैटर्न दिख रहा होगा आपको, ओके ये सैटर्न दिख रहा होगा, और उसके बाद में जुपिटर था। ओ सॉरी गाइस, यार ये बार बार हो जाता है, तो फिर से एक बार हो गई थी थोड़ी सी, पर कुछ नहीं। आपको सैटर्न और जुपिटर दिख रहे होंगे वो दोनों, ओके तो और एक सैटर्न भी है तो वो आपको दिख रहे होंगे। यार थोड़ी सी गलती हो रही है, पर कुछ नहीं, मैं लास्ट में आपको फोटो दिखा दूंगा, बस चलो वीडियो सेक्शन में आते हैं। तो कुछ नहीं, पर थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी, पर लास्ट में ज़रूर से देखिएगा, मतलब लास्ट में मैं दिखाने वाला हूँ, क्योंकि अभी मतलब ये नहीं होता। तो हाँ, मैं इंफॉर्मेशन बता रहा था, तो उसमें मुझे एक यह आया कि उसे विंटर 16-6 में होता है, वो विंटर में ही होता है, वो बस विंटर में, बाकी समर रेनी कभी नहीं होगा, वो बस विंटर दिसंबर या फिर कौन सा भी मंथ हो सकता है, पर मुझे नहीं मालूम, पर विंटर 16-6 में होगा वो, उसका नाम है विंटर 16-6। तो वो है वैसा, ओके तो मतलब उससे वो होता है विंटर सोल्स्टिक्स, वो पूरे अर्थ में दिखाता, मतलब जिन जिन लोगों ने देखा होगा वो बहुत ही अच्छा था, मतलब वो वन बहुत, मतलब ऐसे पूरे ऐसा लग रहा था कि एक ही स्टार है, मतलब एक ही प्लैनेट है कुछ, मतलब कुछ कुछ को लग रहा था कि वो तीन है, पर नहीं, उसकी लाइट ब्लिंक होने से आपको तीन दिख रहे होंगे, पर वो दो थे बस, मतलब एक ज़्यादा ब्लिंक करने वाला जो है, फोटो में आप देखोगे ज़्यादा ब्लिंक करने वाला जो है वो है जुपिटर, और जो ज़्यादा येलो कलर में है वो है सैटर्न, उसकी रिंग भी आपको दिख रही होगी, ओके दिखती होगी वो, ज़रा सा आपको पूरा वीडियो उसके लिए देखना पड़ेगा और लाइक भी करना पड़ेगा, शेयर तो करो भाई, पूरा फेसबुक ट्विटर इंस्टाग्राम पर शेयर कर दो इसे, शेयर ऐसा शेयर कर दो, ओके न्यूज़पेपर शेयर करते हो ना वैसा शेयर कर दो इस वीडियो को, ये स्पेशल थैंक्स वीडियो है, स्पेशल वीडियो ऑफ 21, पर मैंने आज बनाया। चलो गाइस, आज के लिए बस इतना ही, मैंने सारी इन्फॉर्मेशन बता दी है, अगर आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो गूगल पर ज़रूर से बताइए, मैंने पता ही है उसमें, वैसे भी कुछ नहीं है पता दिए, वो सब जो आप रीड करोगे वो सब वैसा ही रहेगा। तो आज के लिए बस इतना ही, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और डैश करिएगा, मैं नहीं बोलने वाला क्योंकि वो डिजेबल हो जाता है। तो आज के लिए बस इतना, बाय बाय, नहीं बाय बाय नहीं,
वो लास्ट में बाय बाय रे यार, लास्ट में बाय बाय, क्योंकि अभी तो फोटो तो दिखाने हैं ना मेरे दोस्त। चलो फोटो देखते हैं। तो फिर आप देख सकते हो गाइस कि ये ऐसा हुआ था, अर्थ जुपिटर और सैटर्न के ऐसा हुआ था, ओके। और ये देख सकते हो ये जो ब्लिंक कर रहा है वो है जुपिटर, और जो रिंग है उसकी येलो वो है सैटर्न। शॉट ऑन वन प्लस।